नया अध्याय सीखेंगे हम लोग। लेकिन उससे पहले अभी मैडम आपको धर्म के बारे में पढ़ा, जैन धर्म पढ़ा, बौद्ध धर्म। जैसे अधिकांश लोगों का अपना हिंदू धर्म सनातन धर्म है तो वो तो ठीक है, कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म का हो सकता है, सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। लेकिन जहां तक मैंने महसूस किया है कि विद्यार्थी होना भी एक धर्म है। धर्म का मतलब यही है कि जैसे हमारा एक संविधान है वहां आपको कुछ मूल अधिकार दिए गए हैं लेकिन कुछ मूल कर्तव्य भी दिए गए। कई बार हम अधिकारों का तो प्रयोग करते हैं लेकिन कर्तव्यों को, जहां तक मेरी समझ है कि धर्म का मतलब इतना ही है कि अधिकारों का भी प्रयोग करो और अपने कर्तव्यों का भी निर्वहन। तो सबसे बड़ा धर्म है आप लोगों के लिए विद्यार्थी धर्म। क्या नहीं, कब जगना है, कब सोना है, कब पढ़ना है, कहाँ जाना है, क्या खाना है, क्या पीना है, इन सब बातों का आप ध्यान रखेंगे क्या? क्योंकि मनुस्मृति में महाभारत में कहा गया है कि धर्मो रक्षति रक्षिता। अगर आप धर्म की रक्षा करते हो तो धर्म आपकी रक्षा करेगा, अगर आप धर्म की रक्षा नहीं करोगे तो धर्म आपकी भी रक्षा। मैंने देखा है व्यक्ति के विनाश या विकास के ऊपर सारी जिम्मेदारी धर्म की होती है। अगर कोई शिक्षक भी शिक्षक धर्म का निर्वाह नहीं करता तो उसका विनाश हो जाता है और कोई विद्यार्थी भी विद्यार्थी धर्म का निर्वाह नहीं करता तो वो उचित सफलता नहीं पाता। तो ध्यान दें हमेशा अपने धर्म का क्या करें, पालन करें। अब सीखते हैं रेलगाड़ी स्टार्ट।